दोस्तों, योगी सरकार, डबल इंजन सरकार जो शहरों के स्टेशनों के नाम बदलती रहती है, अब योगी सरकार को राज्य का नाम ही बदल लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जगह धरना प्रदेश कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य में हर जगह प्रदर्शन ही तो हो रहे हैं। कहीं शिक्षक अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं, तो कहीं पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी, तो कहीं आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी। डबल इंजन की सरकार में भूचाल आया हुआ है, लेकिन योगी जी को इससे कोई मतलब नहीं है। वो तो पीएम मोदी के स्वागत में व्यस्त रहे, आखिर कब रुकेंगे पेपर लीक? भर सिस्टम ने युवाओं का करियर खराब कर दिया, ये तो अति हो रही है। कोई कार्रवाई नहीं, कोई सरकारी बयान नहीं, कोई जवाबदेही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए, और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। आखिर कहां गई मोदी जी की गारंटी? डबल इंजन सरकार में एक परीक्षा तो ढंग से हो नहीं पा रही, क्या ये है मोदी की गारंटी? मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी, पक्की गारंटी। डबल इंजन सरकार की गारंटी, हर भर्ती फंसा देंगे केस में, कभी फॉर्म भर के देखो उत्तर प्रदेश में। हर मन में राम नाम है, और क्या यही रामराज है? नौकरी मांगोगे तो लाठी जूता खाओगे, क्या राम राज में ऐसा भी होता है? डबल इंजन सरकार ने एक गारंटी 6800 चयनित अभ्यर्थी को दी थी कि जल्दी उनके नियुक्ति पत्र आ जाएंगे, लेकिन वो भी महीनों से सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, नौकरी की बजाय डंडे मिल रहे हैं, क्या ये है मोदी जी आपकी गारंटी? लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस बल ने हटाने की कोशिश की। इस बीच अभ्यर्थी कार्यालय के बाहर ही सड़क पर लेट गए। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे कुछ अभ्यर्थी को हिरासत में लिया। हालांकि बाद में अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने जल्द नियुक्ति नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक का मामला गरमाता नजर आ रहा है। 23 फरवरी को सूबे की कई शहरों से छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। यह पहली बार नहीं है जब पेपर लीक हुआ है, इससे पहले भी यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में गड़बड़ी होती रही है, यह एक ट्रेंड बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हजारों छात्रों के सपने टूट जाएंगे। बता दें कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 48 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी थी, इनमें 16 लाख महिला अभ्यर्थी भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा सहित कई राज्यों के अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा दी थी। यूपी पुलिस परीक्षा 2024 में शामिल हुए कई अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस पेपर की फोटो शेयर की थी। उनका कहना था कि यह फोटो उसी पेपर की है जो लीक हुआ था। वहीं बोर्ड ने इस वायरल पेपर को फर्जी बताया है। बोर्ड का कहना है कि शुरुआती जांच में यह पाया गया है कि अराजक तत्वों ने ठगी के लिए टेलीग्राम के एडिट सुविधा का इस्तेमाल कर फर्जी पेपर तैयार किया था, फिर उसी को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। इस पर बोर्ड को लगभग 1500 शिकायतें भर्ती बोर्ड को ऑनलाइन प्राप्त हुई। इसी बीच अभ्यर्थियों की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने बोर्ड के अधिकारियों से मुलाकात भी की। 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने भर्ती बोर्ड को ज्ञापन और पेपर लीक के सबूत दिए हैं। भर्ती बोर्ड के अफसर से मुलाकात के बाद बाहर निकले अभ्यर्थियों ने प्रतिनिधि मंडल में कहा कि अफसर से मुलाकात के बाद हमें भरोसा है कि डीजी मैम से मुलाकात हुई और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। जरूरी है कि परीक्षा की प्रणाली की कमजोरी का फायदा उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए। अब योगी सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है और 6 महीने में फिर से एग्जाम होंगे कहा है। बहुत दिनों बाद उत्तर प्रदेश में आरओ एआरओ के पद की रिक्तियों के लिए आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा के लिए 10,69,725 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक हो गया।
दोस्तों ये अब एक ट्रेंड बन चुका है, या तो भर्ती की नहीं जाएगी, अगर हुई तो पेपर लीक होगा, फिर प्रदर्शन होगा और फिर कार्रवाई, केस चलेगा, और कुछ भी नहीं हुआ तो सरकार बदल जाएगी और फिर वो नए सिरे से शुरू करेगी सेम प्रोसेस। दोस्तों ये वही उत्तर प्रदेश है जहां डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दावा करती है, और आलम ये है कि भ्रष्टाचार अपने चरम स्तर पर पहुंच गया है। आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।